जा, खड़ा हो जाता, वरना आजकल के नौजवान अपने मुंह भी चलते, अपने मुंह चलने से आंदोलन बिखर जाया करते। आंदोलन वो जीतता है जो अपने कमांडर का आदेश मानता है। मैं धन्यवाद करूंगा भाई का, धन्यवाद, और मैं प्रार्थना करूंगा हमारा मलकीत प्रधान भी आ जाए और अमरजीत भाई भी आ जाए, सबको वहाँ बैठिए, आप सारे सबको सम्मानित करके किसान एकता जिंदा पाठ का नारा लगा के हम आंदोलन को संपन्न करेंगे। तो पानी पिलाओ भाई को, किसान एकता जिंदा पाठ, किसान एकता। चिडाला साहब से मेरी प्रार्थना, आप कृपया वहाँ रहे, मलकीत भाई को हर हाँ चिडाला साहब को तो भेजो, चलो आ जाए, आगे जाओ इधर जाओ। चलो एक एक करके हमारे सभी साथी अभी आने वाले हैं और हम बहुत जल्दी हमारे सभी किसान आ जाएंगे, उनको माला डाल करके सम्मान करके, क्योंकि वो अपने घर के लिए नहीं लड़ रहे, अपने पेट के लिए नहीं लड़ रहे, ये किसके लिए लड़ रहे हैं? हम सबके लिए लड़ रहे हैं, हर इंसान के लिए लड़ रहे हैं जो सुबह और शाम दोपहर को खाना खाता है, हर उस मजदूर के लिए लड़ रहे हैं जो सपने देखता है कि मेरा बेटा भी पढ़ लिख करके कुछ बने। तेजवीर नारे लगाओ भाई, नारे लगाओ, आईडी नीचे करा लियो सारी, नवदीप सामने दे, सामने देखिए भाई, नवदीप भाई माइक बंद कर दिए, तेज भी है भाई, माइक नीचे रख दीजिए, कर स्टार्ट भाई, आज नवदीप क्या कहना चाहेंगे, आपने गिरफ्तार किया गया था कल पुलिस के द्वारा, तो आज किया ही देखो जी, अपना पहले तो धर्म पर एक मिनट बंद करा ले यार, तो कल भी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हुआ था अपना, अनिल भी हेलो, दोबारा कर ले यार, दोबारा कर ले यार, प्रदीप है, प्रदीप है भाई, बात मत कर भाई, कौन बात कर रहे, कौन है यार, कर दियो एक मिनट भाई, मान जी भाई बंद कर दियो एक मिनट यार, जी अपना धरना चल रहा है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, पिछले 9 महीने वैसे हो गए और 1 साल से पूरा मैं धरना करते हो गया अपने हकों के लिए, तो कल भी शांतिपूर्ण तरीके से धरना किया है, मैं छोटा गांव के जो यूथ था उन्होंने सारे ने अनिल विज का विरोध किया था, तो उस चक्कर में लड़के उठा लिए थे रात, तो अपने को फोन आया 11:30 बजे फोन आया था, 11:30 बजे मैं अपना पड़ाव खाने के बाद पहुंचा, तो वहाँ पर उन्होंने झंडे वाली गाड़ी को देखकर साइड में लगवा कर मेरे को अंदर ले गए, तो उसके बाद मेरे को 1:30 बजे के आसपास से शाम मिले गए, उठा के वहाँ से पूछताछ हुई 2-3 घंटे उन्होंने मेरे से पूछताछ की 4 बजे तक बिठा कर, उसके बाद उन्होंने मेरे को कहते भी चल सो जा, सवेरे उठ के वो मेरे लिए 9 बजे 8:30 बजे वो पर्चा पुर्चा तैयार करके लिया है पंचायत भवन वाला पुराना, आरोप ये था कि यहाँ पुलिस वाले की उंगली तोड़ी है इन्होंने, उपद्रव किया उस दिन वहाँ पर, तो ये थे आरोप जो उसके अंदर लगे हुए थे मेरे ऊपर भी, जान से मारने की पुलिस वाले को गाड़ी खरोज करी है, जान से मारने की धमकी दी है, तो उन्होंने मेरे साइंस विन करवाए वहाँ पर, तो मेरे को वहाँ पे 12:30 बजे के आसपास मेरे को कोर्ट मिलेगी, और वहाँ पे चलो अपने वकील साहब रोहित जैन जी धन्यवाद करते हैं, वो बढ़िया तरीके से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं पहले दिन से वाला के अंदर, तो उन्होंने अपना मेरे को वहाँ पर मेरी वकालत की वहाँ पर जाकर अंदर जाकर जज साहब के साथ बहुत बहस हुई, तो जज साहब ने बोला भी हाँ भी नवदीप को ही क्यों उठाया इस केस के अंदर, इसके अंदर तो और भी 200-250 किसान है और आपके पास क्या सबूत है, नवदीप ने उंगली तोड़ी है, नवदीप ने जान से मारने की धमकी, क्या वीडियो आपके पास, तो बहुत सी बातें हुई वहाँ पर भी, हाँ भी अगर 21 जून का केस है तो अगस्त में जाकर क्यों आप इनको उठा रहे हो, तो बड़ा अच्छा भी लगा भी हाँ भी आज भी अपने यहाँ पे मतलब बढ़िया लोकतंत्र है, बढ़िया न्यायालय है जो हमारी बात भी सुनता है, ठीक है ना, उन्होंने मेरे को बिना जमानत से रिलीज ही कर दिया केस के अंदर से, क्या वो केस अब खत्म हो चुका है या आगे चलेगा, देखो जी वो तो अभी ऑर्डर आएंगे उसके बाद पता लगेगा चलेगा नहीं चलेगा,
बट आज मेरे को बिना जमानत से रिलीज किया है। तो क्या मानते हो इसमें बढ़िया जी बढ़िया जीत हुई है और आंदोलन की भी जीत है और अपने देश के अंदर लोकतंत्र का पता लगा भी अगर सरकार सोचे पुलिस सोचे भी हाँ इनको उठा के जेल में घेर देंगे तो हमें विश्वास है न्यायालय के ऊपर भी हाँ अपने कोर्ट के ऊपर। आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो आंदोलन की है जो चल रही है बढ़िया तीनों कानून रद्द कराने हैं एमएसपी गारंटी कानून से मोर्चे के नीचे काम करेंगे। 15 अगस्त को लेकर क्या कुछ तैयारी है? 15 अगस्त को लेकर रैली है जी अम्बाड़ा के अंदर 4 जिले इकट्ठे होंगे संपूर्ण टोल टैक्स पे बराड़ा वाले बराड़ा में होंगे नारायणगढ़ वाले नारायणगढ़ मंडी से चलेंगे अम्बाड़ा कैंट वाले और अम्बाड़ा ब्लॉक बन के अम्बाड़ा नाज मंडी से चल के मेरे साथ एक लड़का था जी रात को हम मनीष को छुड़वाने के लिए गए थे उसके बाद 3 लड़के और उठा के लाए थे 3 लड़के वो रात को ही छूट दिए थे तो अभी जो अमन लड़का है शायद उसको पेश किया था शायद पता नहीं उसकी कस्टडी में चला गया वो लड़का भी पता नहीं अभी डेट आएगा। साथियों को रिलीज किया गया? नहीं मेरे को रिलीज किया जी। आज अम्बाड़ा में बड़े टाइम बाद इकट्ठे हुए तो क्या दोनों बढ़िया जी हमारा तो हमेशा पहले नंबर पे रहा है।